بسم الله الرحمن الرحيم. ये मैसेज है, इस सारे सवाब की मजलिस का ये मैसेज है कि अल्लाह ने इस दुनिया को ऐसा बनाया कि कोई इस दुनिया से दिल न लगा सके। जवानी है ना, एक दिन खत्म हो जाएगी, रोक सकते हो तो रोक लो। जवानी है, खत्म हो जाएगी, अगर रोक सकते हो तो रोक लो। भाई तवज्जो, सेहत है, मरज में बदल जाएगी, रोक सकते हो तो रोक लो। अच्छा, दौलत है, खत्म हो जाएगी, या दौलत खत्म हो जाएगी या जमा करने वाला खत्म हो जाएगा, रोक सकते हो तो रोक लो, कुछ नहीं रुकता। इस दुनिया में, इस चलती हुई दुनिया में, तेज रफ्तार दुनिया में कुछ भी नहीं रुकता। अच्छा, उसके बावजूद तुम्हारे डॉक्टर इलाज कर रहे हैं जिंदा रहने के लिए, दवाई याद हो रही है जिंदगी के लिए, जीने के लिए, ऐसा है या नहीं? तुम कॉलेजों में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो जीने के लिए, तुम नौकरियां करते हो जीने के लिए। भाई तवज्जो रहे, तुम्हारे सारे ड्रामे जीने के लिए, तुम्हारी शायरी जीने के लिए, तुम्हारे नावलिस्ट लिख रहे हैं, नावल लिख रहे हैं, क्यों? जीने के लिए। भाई तुम्हारे मीडिया पर जो कुछ आ रहा है कि जियो जिंदगी के लिए, ऐसा है या नहीं? और खुदा की कसम, अकेला कुरान कह रहा है जियो मरने के लिए। अच्छा भाई, तो सिलसिला फिक्र किसी मकाम से आगे बढ़ जाए, तो अब नबी का झंडा जिस महीने में निकलता है वो महीना खत्म हो गया, आखिरी तारीखों में गुफ्तगू हो रही है, तो अब कौन बताए कि मरने के लिए जीना कैसा जीना है? एक आयत ने आवाज दी, कुल इन सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन व बेज़ालिका उमीतु ला शरीका लहू व अना अव्वलुल मुसलीम। रसूल कह दे, मेरी सारी नमाजें अल्लाह के लिए, मेरे सारे रोजे अल्लाह के लिए, मेरी सारी इबादतें अल्लाह के लिए, मैं जो भी कुर्बानियां करूँ अल्लाह के लिए। अब ये अजीब गरीब आयत है, मैं अगर सांस लूँ तो अल्लाह के लिए, मैं अगर मर जाऊँ तो अल्लाह के लिए, उसकी पूरी जिंदगी अल्लाह के लिए है। अब ये न कहना कि मोहम्मद ने ये काम अपनी मर्जी से किया, ये काम अल्लाह के लिए किया, नहीं, मोहम्मद वो जिसकी पूरी जिंदगी अल्लाह के लिए। यानी मैं कहना यह चाह रहा हूं कि मेरा नबी अगर जागे तो अल्लाह के लिए, अगर जगा दे तो अल्लाह के लिए, अगर सोए तो अल्लाह के लिए, अगर सुला दे। अगर सोए तो अल्लाह के लिए, अगर सुला दे तो अल्लाह के लिए, अगर बैठे तो अल्लाह के लिए, अगर बिठा दे तो अल्लाह के लिए, और मेरा नबी अगर उठे तो अल्लाह के लिए, अगर उठा दे। बात तो पहुंच गई है ना, तो वो नबी जो पूरा अल्लाह के लिए है, अगर कोई हिजरत की रात में उसको बचाने के लिए सो जाए, बहुत पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने है, और ये जुमला कहकर मैं फिर आगे जाऊंगा मकामे मोहम्मद पर, लेकिन ये जुमला पहुंच जाए, पूरा मोहम्मद अल्लाह के लिए, और उस मोहम्मद को बचाने के लिए अगर कोई बिस्तरे रसूल के सो जाए तो मोहम्मद के लिए तो नहीं सोया, अल्लाह के लिए सोया। अब एक शख्स रसूल के बिस्तर पर हिजरत की रात में सो रहा है, और उसका वजूद कह रहा है, मालिक मेरा साथ तेरे लिए, मेरी गर्दन तेरे लिए, मेरे शाने तेरे लिए, मेरे हाथों की तवानाइयां तेरे लिए, मेरा पांव तेरे लिए, मालिक मैं पूरा तेरे लिए। अब बताओ अल्लाह क्या करे? अली, अगर तू पूरा मेरे लिए है तो आज से मेरी पूरी मर्जी तेरे लिए होगी।